हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। सुबह से हमारा उत्पीड़न हो रहा है समय को लेकर, तो रात हम लोगों ने डिसाइड करा था कि हम एटलीस्ट 11 बजे तक मॉल पहुंच जाएंगे, उस खुशी की शॉपिंग होनी है आज फॉर शूट। खुशी ने 8:10 से सबको, ओए उठ जाओ, 11:30 बज गए, ओए उठ जाओ 11 बज गए। अभी मैंने देखा कि मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज करा और वो अभी जस्ट मैसेज आया और वो 2 घंटे पहले का दिखा रहा है। मैंने कहा क्यों दिखा रहा है, फिर मैंने कहा अरे यार आज जब मैं गाड़ी में थी कैंडी क्रश के हार्ट खत्म हो गए थे, तो मैंने अपना टाइम 2 घंटे आगे करा था। जब मैंने टाइम सेट करा दोबारा से और देखा तो 9 बजे हुई। तो बेचारा बबजीत अभी वॉशरूम में है, तो खुशी 4:30 बजे उसने, मैंने बोला बब्बे कब सोया, कह रहा मैं 4:30 बजे सोया, तो मैं कहा ठीक है ना 11:30 हो रही, उठ जाओ। तो बबजीत अभी वॉशरूम में, उसे कुंडा खटखटा के बोलती बबजीत थोड़ी देर और सो जाना। जैसे ही से पता लगा ना कि अभी 1.5 घंटे का आराम है, क्या कर रही है अब तू? चार बजे उठ के लोग कभी अंगूर खा रहे हैं, कभी वो मैगी खा रहे हैं, कहते बस रात को बहुत ऐसे दिखा रहे हैं मुझे जैसे यहाँ खाना नहीं मिलता, रात को बहुत भूख लग रही थी। बहुत कुछ थोड़ी देर कर लिया है ना, कुछ नहीं था तो अंगूर एंड मैगी पहले के 2 महीने पहले वाली। कितने बजे खाई वो आप लोगों ने? 4:30 तो रात होती है वो। फिलहाल हम लोग हो चुके हैं रेडी, हम लोग निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए एंड आज सच में बहुत मजा आने वाला है। सो हम लोग निकलने के लिए तैयार है, लेकिन मॉल के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन मजा आता है कैमरा से व्लॉग करने में, मुझे तो बहुत संतुष्टि मिलती है सच में, क्योंकि वॉइस क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। अभी फिलहाल जहाँ पे मैं बैठा हूँ गाड़ी की इतनी नॉइज है, लेकिन वॉइस क्वालिटी इतनी इंप्रूव हो जाती है कि मजा आता है व्लॉग करने में, एंड क्वालिटी आप लोग देख ही रहे हो लास्ट 2-3 दिन से व्लॉग्स की। सो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं, लेकिन मुझे मेरा मन था कि हम लोग सीधे निकले, लेकिन 2-3 वीडियो बनानी थी अर्जेंट, वो बना के अपलोड कर देते हैं, दैट्स व्हाई नीचे आ चुके हैं पार्क में, पहले वीडियो शूट करते हैं फिर तीव्र गति से निकलते हैं। खुशी कितना टाइम लगेगा हमें? बस 2 ही वीडियो बननी है बाबू। इसके बाद कहाँ? यहाँ इसके बाद सीधे जाएंगे जारा, फिर हल्दीराम। हेलो, तो पहले हम लोग जाने जारा, थोड़े सामान और लेना, उसके बाद हम लोग जाएंगे हल्दीराम, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी हुई है एंड शॉपिंग निपटाते हैं, उसके बाद खुशी की रिहर्सल है, रिहर्सल करेंगे। एंड सच में आज का बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाला शेड्यूल था, लेकिन बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हो रहा है धीरे धीरे, तो अब जल्दी से निकलना है एंड जाके फिर और चीज़ों को मैनेज करते हैं। yes, क्योंकि बहुत सारे काम है, डांस प्रैक्टिस भी है कल वाले शूट की, मैं डोसा पाव भाजी, बस 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 डोसा पाव भाव नहीं डोसा पाव भाजी भी लेंगे डोसा जब नहीं डोसा तो एक चार चीज है, तो चार बजे नहीं, मैं तो डोसा अकेला खाऊंगा, अकेला डोसा खाना, एक पाव भाजी लेंगे, एक बल्ले का छोले भटूरे, ये उससे पूछ लेंगे बब्बे को जबरदस्ती चला उठ रहे। वाह। सो फिलहाल मैं और आर्या बैठे हैं गाड़ी के अंदर एंड खुशी और बबजीत गए हैं सामान लेने के लिए। हम दोनों साथ में इसलिए निकले क्योंकि गाड़ी हमने जहाँ पार्क करी हुई है वहाँ से आगे पीछे करते रहना पड़ता है गाड़ी को। सो मुझे ऐसा था मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ, खुशी जब तक शॉपिंग करके आ जाती है। खुशी की रिहर्सल थी अभी, लेकिन वो शिफ्ट हो गया 9 बजे के लिए, तो 9 बजे तक हम बोर होंगे, इससे अच्छा हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम हेड मसाज वगैरह करा के उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं फ्लैट पे। मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है, कितना कुछ ले लिया है शूट के नाम का, और मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी है, और हम मुश्किल पापा 10 मिनट में आ गए थे सब कुछ लेके, और आधा घंटा लग गया, आधा घंटा तो नहीं लगा था, और आते तक देखे थे दोनों प्राणी सोए पड़े। तो फिर मैंने सोचा कि जब हमारे पास थोड़ा टाइम है तो एक काम करते हैं, इनकी हेड मसाज करवा देते हैं, खाने से बना पेडिक्योर और अपनी हेड मसाज भी करवा लूंगी। नींद आ रही ना आपको? अब ये सोचो इसी नींद में आपको हेड मसाज मिल रही है। सो जाऊंगा बस। अभी जस्ट हम लोग काम खत्म करके आए थे एंड यहाँ पे हो चुका है हमारे साथ एक तकड़ा सीन। पीछे एक गड्ढा था बहुत छोटा सा, और लिटरली मुझे वो बहुत छोटा लग रहा था, हम 60-70 की स्पीड पे होंगे, और उसमें टायर गया, और टायर की कंडीशन आप लोग देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू मी टायर की हवा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और इतनी जल्दी निकली, मतलब फटी गया कहीं से जो? अगर फटा होगा तो भाई हमारे लिए दिक्कत शुरू होगी भाई, खत्म हो गया टायर बिल्कुल भाई, सीन हो गया हमारे साथ, सीन हो गया। अब मेरा भी अच्छा एक बात और है, मुझे पीछे हो गया, मुझे गाड़ी चल हो जाएगा, मुझे गाड़ी चलाते हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन ये पहली बार आज मैं करने जा रहा हूँ ये सीन। बीच रास्ते खड़े हैं हम और भूख पूरी लग रही है और टाइम कम है, और हमें लग रहा था हम घर जाएंगे जल्दी से खाना खाएंगे और फिर हमें कहीं और भी निकलना है, लेकिन हम तो यही फंस गए हैं। ये क्या है दूसरे से? हो जाएगा, इससे हो जाएगा, परली तरफ से डाल आ रहे हैं, ऐसे नहीं हो, परली तरफ से ये नहीं है, फिर पतला वाला है। हाँ। नहीं है हमारे पास सारा ही कुछ, वो दे दो, कोई तो रुको हेल्प करो हमारी, कहाँ जंगलों में हमारा बंद हुआ है, उठ जाएगा टायर भी अभी तो बब्बे नहीं आ रहे, फिर इससे भाई तुझे यार ये आई थिंक ये साइड पे लगाते हैं और पैर से करते हैं, होगा पक्का ना, एक भी समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा, तो हम ट्यूटोरियल देख रहे हैं, ट्यूटोरियल देख के हम लोग कुछ करेंगे। हां ये रहा ना, देख लीजिए ये है, तो ये देखो ये रहा जो नड्डल रखा है, हां ये या निंडा
हमें यहाँ आधा घंटा हो गया और कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। इसकी जो चाबियाँ वाबियाँ हैं सही नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही, हो गया काम चालू? चालू और हम इस नाले के पास खड़े हैं, इधर भी डर लग रहा है और कोई गाड़ी रोक भी नहीं रहा है क्योंकि किसी को नहीं पता रात को हम क्यों खड़े हैं। कल शूट पे एक विदाउट अलॉय लेके जाएंगे। Take my life for granted. Say a bunch of stuff you never meet, yeah. फिलहाल हम लोग हैं सुमित पाजी के पास जो कि चुपचाप निकल रहे थे। देखो चुपचाप निकल रहे थे साइड से। शूट है जाने। कैसे हो सुमित पाजी आप? कितने टाइम बाद मिले हमसे, बता दो। आपसे क्रॉस क्वेश्चन शुरू कर दिए। बहुत नहीं, कौन सा शूट है बताओ। चलो पाजी पीछे गाना किया था। अरे पाजी, मैं तो आपकी मैं तो पाजी आपकी अपडेट देखता रहता हूँ। वैसे आपको आपके पास टाइम नहीं है छोटे बंदे यार। पाजी एक दो चीज ऐसे बता दूंगा आप एकदम फंस जाओगे। मैंने ऐसे दिखाई भी थी वो नूरा फतेह वाली जो कौन सी थी अपनी गाना कौन सा था बड़ा पछता होगी की कोरियोग्राफी जो मैं तो पाजी दिखा रहा था पाजी थे वो साथ में। तो साहिल पाजी आर यू रेडी? यस पाजी। रेडी पाजी रेडी? बिल्कुल। ये है हमारे वीर भाई। कैसे भाई? बढ़िया बढ़िया भाई। इतने तगड़े व्लॉग्स बना रहे ना भाई, एक नंबर। मैं तो पता आपको भाई इतने तगड़े व्लॉग बनाते हैं भाई, मतलब रेगुलर तो करते नहीं, चार पाँच दिन में दो चार दिन में छोड़ के करते हैं और नेक्स्ट लेवल कॉन्टेंट है, मतलब बहुत अच्छा लगा देख के। अभी पतंग वाला कुछ बना रखा था उन्होंने लास्ट, और उसके बाद जीप वगैरह पूरे व्यूज छाप रहे हैं भाई, मोटा पैसारान के पास। और आज मैं भाई से फर्स्ट टाइम मिला, तो एक बार आप भी जाके देखना बी राम गढ़े का चैनल है, एंड एक बार अपडेट देखना जाके भाई क्या करता है क्या नहीं, नेक्स्ट लेवल काम कर रहा है। कल शूट पे हम भी व्लॉग बनाएंगे। अरे पक्का 100% कल व्लॉग बनाएंगे हम लोग। अगर देखना आप लोग साहिल पाजी के साथ शूट है अपना, शूट का जो बीटीएस है वो आप लोगों को तभी बिहाइंड द सीन आपको तभी देखने को मिलेगा। साहिल पाजी के साथ मेरा करा था, नेक्स्ट लेवल मजा आया था करने में, रील में ताबड़तोड़ रील थी, गाना बहुत अच्छा जा रहा है। पाजी कल पूरा मजा लेना क्योंकि मैं भी फ्री आप भी फ्री, भाई भी मिल गया भाई भी फ्री और बहुजीत भी। इनमें भी सीन है कल तो सीन है एक दो है इसका सीन है, उसे हम साथ में रखेंगे कि हम नहीं चाहते हमारे शूट में गफल हो। सीन छोड़ो सीन छोड़ो सीन सीन छोड़ो फुटेज ले अंदर क्राउड आने का सीन है मेरे भाई। तो फिलहाल हो रही है बहुत सारी ठंड है, हम लोग यस एंड हम लोग रिहर्सल करके आ चुके हैं। हम लोगों से मुश्किल से 20 मीटर दूर हमारी पार्किंग थी, और लिटरली हम भी ऐसा सोच रहे थे हमारी ऊपर साइन बोर्ड लग रहा है बिल्डिंग के ऊपर, तो वो साइन बोर्ड हमें कई किलोमीटर पहले दिख जाता है, तो हमने मैंने कहा विवेक हम गलत तो नहीं आ गए, वो दिख ही नहीं रहा दिख ही नहीं रहा, अब चलते जा रहे। फिर याद आया अरे फोग है इसलिए नहीं दिख रहा। फिलहाल सर्दी बहुत हो रही है, रिहर्सल करके आ चुके हैं लेकिन इतनी सर्दी में रिहर्सल करके सही में मजा आ गया। मैंने भी इसके साथ किया खुशी के, एंड बहुत जल्दी हम लोग डांस क्लास ज्वाइन करने वाले हैं। एंड हम क्या क्या करेंगे, हम लोग रेगुलर बेसिस पे किया करेंगे वैसे क्लासेस, लेकिन वीक में एक दिन हमारे लिए सुमित भाई टाइम निकाला करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता सुमित भाई का, मैं बता दूं बेसिकली आज के टाइम में मोस्टली जो भी अच्छे बड़े गाने हैं उसमें कोरियोग्राफी जो कर रहे हैं, बड़ा पछता हो गया शोना शोना हो गया, एंड और भी बहुत बड़े बड़े गाने हैं, तो यही कर रहे हैं सुमित भाई, तो वो हमारी क्लास ले करेंगे हफ्ते में एक बार, अदरवाइज हम रेगुलर करेंगे। ठीक है बाबू? Take my